मैं आज बताने वाली हूँ हाउ टू मेक ए सिंपल दाल मूंग और मसूर का। देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर ले गई हूँ। प्रेशर कुकर में दाल दे दी हूँ और दाल डालने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के ऐसे चला रही हूँ। अभी इसके ऊपर हम पानी डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हम इसके ऊपर 4 कप पानी डालेंगे। देख सकते हैं 4 कप पानी डाल के अभी इसके ऊपर टमाटर डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 टमाटर काट के रख दी हूँ, इसमें को हम दाल में डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं डाल दी हूँ टमाटर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी इसमें हम हल्दी और नमक डालेंगे। देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला और 1 चम्मच मैं नमक डालती हूँ। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर को 2 सीटी बजने तक हम छोड़ देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने प्रेशर कुकर डाल दी हूँ। 2 सीटी बजने तक हम प्रेशर कुकर को चलाएंगे, 2 सीटी बजने तक, उसके बाद हम निकाल देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं दाल को तड़का देने के लिए करीबन 2 चम्मच आसपास तेल ली हूँ। अभी इसमें हम 5 फूटन डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं 5 फूटन डाल दी हूँ। देख सकते हैं मैं प्याज और लहसुन को कूट के रखी हूँ, अभी इसको डालूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने प्याज को डाल दी। अभी थोड़ा हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, करीब 1/2 टीस्पून। अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लहसुन डाल दी हूँ। अभी लहसुन को भी अच्छे से चलाएंगे हम। अभी अच्छे से थोड़ा पक जाए इसलिए हम थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये जल्दी पक जाए। अभी हम छोड़ देंगे इसको करीब 3 मिनट के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा टमाटर डाल पक गया है अच्छे से। अभी हमारा जब तड़का रेडी हो जाए तो हम ये टमाटर डाल उसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, हम डाल के तड़के के अंदर जीरा पाउडर कप 1 चम्मच डालेंगे। आपके पास अमचूर पाउडर अगर डाल लिएगा, मेरे पास अमचूर पाउडर मैंने इसमें नहीं डाला, ख़त्म हो गया। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके चला लेंगे इसको अच्छे से। करीबन 1 चम्मच अब डालिएगा लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद थोड़ा सब्जी मसाला डालिएगा। करीबन 1/2 चम्मच मैंने सब्जी मसाला ले गई हूँ। हम इसको अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। देख सकते हैं मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हम इसके अंदर दाल डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये पका हुआ दाल इसमें अंदर डाल दी हूँ। अभी अच्छे से चलाएंगे हम इसको। देख सकते हैं, अगर थोड़ा नमक ज़्यादा चाहिए तो मुझे थोड़ा लगा नमक थोड़ा ज़्यादा चाहिए और 1/2 चम्मच करीब ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने नमक डाल दी हूँ। अब इसके ऊपर हम गरम मसाला डालेंगे। देखते हैं गरम मसाला 1 चम्मच लीजिएगा। अभी इसको उबलने के लिए छोड़ दीजिएगा करीब 2 मिनट। देख सकते हैं फ्रेंड्स, दाल में उबाल आ गया है अच्छे से। देख सकते हैं अभी हम इसको ग्लेस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देख सकते हैं हमारा दाल प्रिपेयर हो गया है, अभी रेडी टू सर्व है। अब इसको ज़रूर खा सकते हैं आप। अगर आप मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद, थैंक यू।